डॉक्टर्स वेलकम टू करियर ही तो देखिए मैं आपको डेली अपडेट प्रोवाइड कराता हूँ आठ से नौ के बीच में तो आपको पूरे दिन किसी और चैनल पर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको ट्विटर पर कोई न्यूज़ देखने की जरूरत है डेली आपको अपडेट यहाँ पर मिल जाएगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो आज की जो अपडेट है वो मैं आपको बता दूँ तो काफ़ी स्टूडेंट जो हैं उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि कल जो तेलंगाना हाईकोर्ट में हुआ वो क्या हुआ उसमें नीट पोस्टपोन होगा नहीं होगा उसमें एक चीज़ तो ये बोल रही है कि एन जो है वो नीट पी के जो एस्पिरेंट हैं उनके प्रॉब्लम को एग्री कर रही है उस पर वो विचार करने वाली है उस पर बड़ा एक्शन ले सकती है लेकिन एक तरफ ये भी उसमें लिखा हुआ है देखिए मैं आपको कल वाला वो दिखा देता हूँ क्या रिजल्ट था तो देखिए यहाँ पर अभी भी स्टेटस जो है वो मार्क वो रिटर्न लिखा हुआ है तो इसमें एक से दो दिन में या तो दोबारा से सुनवाई हो सकती है लेकिन फिर भी मैं आपसे यही बोलूँगा कि कल जो है कल यानी कि फ्राइडे है और कल एक बड़ी मीटिंग होनी है और उस मीटिंग में बड़ा फैसला लिया जा सकता है और यदि कल कोई मीटिंग नहीं होती है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा और कल के जो तेलंगाना हाई कोर्ट में हुआ था उन्होंने सिंपली ये ऊपर ये जरूर बोला है कि आपका जो एन एन है वो नीट पीजी के स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम के साथ में एग्री कर रही है लेकिन साथ में ही कोर्ट ने ये भी बोला कि एग्ज़ाम इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन दी फेस्ट वीक ऑफ मार्च 2023. थाउजेंड ट्वेंटी थ्री दिस कोर्ट हैज़ नोट एक्सप्रेस एनी ओपिनियन ऑन दिस मेरिट ऑफ दिस केस ऑफ द केस तो इसमें सिंपली लिखा हुआ है कि एग्जामिनेशन जो है वो पोस्टपोन नहीं कर सकती कोर्ट लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चौदह फरवरी को फोर्टीन फरवरी को यहाँ पर ए के पी आई एल जो है वो सबमिट की गई है और उस पर भी कल ही सुनवाई हो सकती है सत्रह फरवरी को यहाँ पर सुनवाई होने की पूरी उम्मीद है